Assalamu alaikum students. In this video we will talk about basic concepts and terminology of databases. And this is chapter number 2 for ICS part 2. Topic number 2.1 hamare paas overview. In the previous chapter we have discussed files and records in details. Matlab pichle chapter ke andar humne files aur records wagera ke bare mein थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जबकि इनफैक्ट हकीकत में द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेसेस इवॉल्व फ्रॉम द ओल्ड ट्रेडिशनल वर्किंग ऑफ द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम FMS. लेट्स सी हाउ दिस एवोल्यूशन इमर्ज्ड बाय कंसीडरिंग द सेम डायग्राम ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइल. अच्छा, जो रिकॉर्ड क्या होता है, एक फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, किस फॉर्म में हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास एक फाइल है, ठीक है जी. तो उसके अंदर हमें एक कुछ कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के अंदर हमें डाटा कुछ दिया गया है, जिनके जिनमें एक एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है, और उसको 0003 दिया हुआ है. एम्प्लॉय नेम जो है हसन रजा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. ये नंबर, फाइल नंबर 1 है, ये सेकंड फाइल है और ये थर्ड फाइल है, ठीक है. ये चंद एक फील्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो है, ये हम इसको इनको फील्ड्स का नाम देते हैं, दैट दे आर कॉल्ड फील्ड्स. एम्प्लॉय नंबर हो गया, ठीक है, 0 1 1 दिया हुआ है यहाँ पे. एम्प्लॉय नेम मदीहा जाफरी एंड ग्रेज 1/4. Designation senior manager, date of joining April 15, 2005, qualification MBIT. ठीक है जी. यहाँ पे तकरीबन इसके अंदर पूरी 3 फाइल्स दी हुई हैं, ठीक है. तो अब ये जो तीनों फाइल्स मिलकर एक पूरा रिकॉर्ड बनाती हैं, ठीक है. It is worth mentioning here that the file must have a meaningful name. हाँ, ये फाइल क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हर एक जो रिकॉर्ड, पूरा एक एक पूरी जो फाइल है, ठीक है, फाइल का कोई ना कोई नाम होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड ऑल द फील्ड नेम्स इन ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल टू. मतलब इस फील्ड के अंदर जितने भी नाम है, ठीक है, ये जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, पूरे इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर जितने भी फाइल्स हैं हमारे पास, उनका हर एक जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए और उसना कोई उसका कोई ना कोई मतलब भी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि वी कैन गिव द फॉलोइंग नेम्स ऑफ टू द अबव मेंशन फाइल एंड इट्स रिकॉर्ड फील्ड्स. मतलब कि फाइल नेम जैसा कि एम्प्लॉय ऑफ फॉर बायो इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है आपको. ये मतलब ये चीज़ें जिस तरह लिखी हुई एज इट इज़ हमने इनको लिखना होता है जब हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं. एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, सम अदर फील्ड्स, मतलब इसी तरह की जितनी भी हैं दूसरे जो फील्ड्स हैं हम उनको इस तरह से लिखते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं. फील्ड क्या होता है? फील्ड इट इज़ अ यूनिट ऑफ डाटा कंसिस्टिंग, ये एक ऐसा फील्ड होता है जो इट इज़ अ यूनिट ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर करेक्टर्स. मतलब एक या एक से ज़्यादा जो करेक्टर्स पे जो डाटा मुश्तमिल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और ग्रेड, मतलब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह के ग्रेड होते हैं, कौन सा ग्रेड है इस एम्प्लॉय का, जैसे बैंक वगैरह में हो गया या फिर कुछ बिग जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अंदर, इन अ रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर उसका जो नाम और ग्रेड होता है वगैरह वगैरह, उसको हम फील्ड कहते हैं. और रिकॉर्ड क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड data items treated as a single unit is called a record. मतलब कि बहुत सारी आइटम्स को मिलाकर
उसका जो मतलब जो एक कलेक्शन होता है एज अ सिंगल यूनिट, मतलब एक सिंगल जो एक ही चीज़ की फाइल के अंदर अगर हम उसको सेव कर देते हैं तो दैट्स कॉल्ड अ रिकॉर्ड। फाइल क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल और डाटा सेट। मतलब एक बहुत सारे रिकॉर्ड्स का एक जो कलेक्शन होता है उसको कलेक्ट किया जाए तो वो एज अ सिंगल यूनिट इट इज कॉल्ड इट विल बी कॉल्ड एज अ फाइल और अ डेटा सेट। ये जैसा कि यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एम्प्लॉय नंबर नेम एंड इसका ग्रेड दिया हुआ है, उसके बाद एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इज अ सीनियर मैनेजर है, मदीहा जाफरी कोई लेडी है, लेडी वर्क एम्प्लॉय है यहाँ पे। उसके बाद एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी होती है यहाँ पे, MBIT एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन है फॉर एग्जाम्पल, और कुछ और अदर फील्ड्स ही हुई है। तो ये टॉपिक नंबर 2.1.1 है यहाँ पे, डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स। मतलब तो डाटा को बहुत सारा जो डाटा आपका उसको किस तरह हैंडल किया जाता है इन एज अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। द रिकॉर्ड्स लेआउट्स आर प्रॉपरली डिफाइंड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट्स ईच फील्ड इज गिवन अ फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेस ऑफ बाइट्स एंड दे आर पुट टुगेदर कंटिन्यूसली इन फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ कलेक्शन कॉल्ड रिकॉर्ड्स। मतलब कि ये पूरी एक रिकॉर्ड की डेफिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो दस इसी तरह ईच फील्ड कोरिस्पॉन्ड्स टू अ प्रॉपर स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस एज द फील्ड्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन प्रॉपर लेंथ। मतलब एक पूरे जो फील्ड होता है उसकी प्रॉपर एक लेंथ होती है, ठीक है, जो उसको दी जाती है, ऑलरेडी दी जाती है, दी गई होती है। सो द वैल्यूज ऑफ ईच फील्ड आर डिटरमिन्ड विद इन दोज मेमोरी एड्रेसेस। मतलब कि मेमोरी एड्रेसेस के अंदर मेमोरी एड्रेसेस के अंदर क्या होता है, हर एक जो फील्ड है, ठीक है, उसका एड्रेस होता है उसके अंदर, मेमोरी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एम्प्लॉय नंबर है 0001 है, ठीक है, ये तकरीबन टोटल 4 बाइट्स लेगा। आपका जो मेमोरी है वो तकरीबन 4 बाइट्स लेगा, इतनी स्टोरेज। उसके बाद जो मदीहा जाफरी है एम्प्लॉय नेम है, ये अबाउट 25 बाइट्स लेगा, इतनी स्टोरेज। और जो एम्प्लॉय ग्रेड है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये तकरीबन 3 बाइट्स स्टोरेज ले जाएगा, मतलब ये इसके अंदर सेव होगा। और सीनियर मैनेजर जो है आपकी मदीहा जाफरी जो है, ये सीनियर मैनेजर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन जो है ये तकरीबन 15 बाइट्स में होगा। अच्छा, उसके बाद अप्रैल ये एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मतलब जब उस एम्प्लॉय ने जब जिस दिन ज्वाइन किया था, ठीक है, ये तकरीबन 15 बाइट्स ले जाएगा। और MBAIT जो है सम मोर फील्ड। मतलब कि ये तकरीबन 8 बाइट्स ले जाएगा, इसकी इतनी स्टोरेज लेगा। अच्छा, उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होती है? एट्रीब्यूट्स रोज एंड टेबल्स इन द लेट 1960s, मतलब 1960 के आखिर में द रिसर्चर्स केम अप विद एन आइडिया ऑफ यूजिंग रिलेशनल डेटाबेसेस इंस्टेड ऑफ फाइल स्ट्रक्चर्स। मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स ने एक आइडिया पे काम किया, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस पे, ना कि इस फाइल स्ट्रक्चर्स पे। दे गेव द आइडिया ऑफ डिफाइनिंग अ फाइल एज अ 2D एरे, मतलब कि उन्होंने एक 2D एरे का नाम दिया इसको, और टेबल विद अ यूनिक नेम, मतलब या फिर एक ऐसा जो टेबल था विद अ यूनिक नेम, मतलब जो इसका ऐसा नाम था जो किसी और नाम के साथ मिलता जुलता नहीं था। तो प्लेसिंग ऑल द फील्ड्स आज कॉलम्स हैविंग यूनिक नेम्स ऑफ दैट टेबल एंड पुटिंग ईच रिकॉर्ड एज अ रो इनटू द टेबल। जी, तो ये कह रहा है कि जो फील्ड्स, जो तमाम जो फील्ड्स है, ठीक है, उनको एज अ कॉलम उन्होंने मतलब कि मेंशन किया था,
हैविंग यूनिक नेम्स ऑफ दैट टेबल, उस टेबल के अंदर, एंड पुटिंग ईच रिकॉर्ड, मतलब हर एक रिकॉर्ड को बीच में उसमें सेव किया गया एज अ रो इन टू द टेबल, मतलब रो वाइज उन्होंने इस टेबल के अंदर उस रिकॉर्ड को पुट किया। ईच रो इज कॉल्ड, इज नोन एज टपल और अकरेंस इन दैट टेबल। अच्छा, हर एक जो रो है वो क्या कहलाती है? टपल कहलाती है, TUPLE, और अकरेंसेस। फॉलोइंग दीज कॉन्सेप्ट्स वी कैन यूज द ट्रेडिशनल फाइल स्ट्रक्चर इन टू अ न्यू एंड ईजी टू मैनेज डेटाबेस स्ट्रक्चर कॉल्ड अ टेबल और रिलेशन। मतलब वो कहता है कि इन जो कॉन्सेप्ट है इनको फॉलो करते हुए हम क्या देख सकते हैं, द ट्रेडिशनल फाइल स्ट्रक्चर। हाँ, जो ट्रेडिशनल फाइल स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको अंदर एक उसको अगर एक नए और मतलब जो आसानी आसान सा जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर डेटाबेस स्ट्रक्चर है उसके अंदर कन्वर्ट करें, तो व्हाट विल बी कॉल्ड? दिस विल बी कॉल्ड एज टेबल और अ रिलेशन। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने इस इन्होंने ये दिया हुआ है कॉलम्स, कॉलम के अंदर क्या चीज़ है, ये एक रिलेशन डायग्राम से बन रही है, मतलब हर एक चीज़ को हमने रिलेट किया हुआ है। जैसे कि ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इसको इसने एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड क्वालिफिकेशन। सो कॉन्सिक्वेंटली दिस वी समराइज अबव डिस्कशन एज फॉलोज, मतलब ऊपर जो हमने जो कुछ पढ़ के हैं उसको यहाँ पे समराइज समरी दी गई है, समराइज कर दिया गया, जिसके अंदर डाटा एलिमेंट्स हैं, द फील्ड्स और डाटा आइटम्स इन डाटा बेसिस आर टर्म्ड एज डाटा आइटम्स, आइटम्स एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स इन डाटा बेस स्ट्रक्चर्स, रिकॉर्ड्स इन फाइल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज रोज और टपल्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, फाइल्स और डेटाबेसेस इन डेटाबेस सॉरी फाइल्स और डेटा सेट्स इन डेटाबेसेस आर टर्म्ड एज टेबल्स। पूरे डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स होती हैं या फिर डेटा डेटा सेट्स होते हैं वो उनको हम टेबल कह देते हैं या फिर रिलेशन कहते हैं या फिर डेटा ऑब्जेक्ट्स कहते हैं इन डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। द कलेक्शन ऑफ टेबल्स विद सम ट्रेडिशनल फाइल्स एंड सम अदर नेसेसरी डेटा ऑब्जेक्ट सिस्टम डेटा बेस, रिलेशनल और टेबल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 2.3 है, रिलेशंस और टेबल्स। रिलेशन क्या होते हैं और टेबल क्या क्या होते हैं? टू टू डायमेंशनल एरे और 2D एरे आर टेबल ऑफ डाटा कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। हाँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एक एंटिटी के लिए कोई भी ऐसी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि जिसको डिस्क्राइब किया जाए किया गया हो इन अ 2D एरे और टेबल ऑफ डाटा, मतलब डाटा के डाटा जो होता है जो टेबल की फॉर्म में उस पर मुश्तमिल हो, तो ठीक है, तो उसको हम आई थिंक एंटिटी मस्ट हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर। हाँ, जो एक एंटिटी है, ठीक है, तो उसको अपना एक यूनिक नाम जो आइडेंटिफायर है वो रखना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी होता है, विच इज कम्पोज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स एंड ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू, और हर एक जो एट्रीब्यूट होगी, ठीक है, खसूसियत होगी, उसकी सिर्फ एक और एक ही वैल्यू होगी, दो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल सी बात है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डिफाइन द वर्ड एंटिटी हियर। एंटिटी क्या होती है? एंड एंटिटी इज एनी थिंग अबाउट विच यू वॉन्ट टू कीप इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ
स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हैज एंटिटीज लाइक स्टूडेंट टीचर कोर्स लिस्ट स्कॉलरशिप्स एंड टाइम टेबलिंग एक्सेट्रा. Thus, the entities involved in this case are the same, and the entity students can be defined in some of in the form of database modeling as follows. हाँ, जिस तरह जो कि फॉर स्टूडेंट का जो आप जो डेटाबेस बना रहे हैं उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं जी, स्टूडेंट नंबर लिख सकते हैं, उसके मतलब आईडी कार्ड पे जो आईडी नंबर होगा आप वो लिख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर, स्टूडेंट जेंडर लिख सकते हैं. एंड स्टूडेंट बर्थ डेट लिख सकते हैं, और एंड पे स्टूडेंट एड्रेस स्टूडियो STDIU एंड टेलीफोन नंबर. फ्रॉम द अबव गिवन इंफॉर्मेशन डेफिनेशन ऑफ एंटिटी वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट टू डी एरे और रिलेशन बाय कन्वर्टिंग ऑल एट्रीब्यूट्स इन द ब्रैकेट्स इनटू कॉलम्स of the day of the array as follows. In the above diagram, मतलब इस डायग्राम के अंदर मतलब ये रोज हैं, ठीक है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रही हैं ये इनको रोज कहा जाता है, और कॉलम जो है वो अप टू बॉटम होते हैं. In the above diagram, all the attributes were called minimum of the table or called column of the table, and all concurrences of the records are called rows. ठीक है जी. तो उसके बाद स्टूडेंट का जो यहाँ पे एक बायोडाटा दिया हुआ है, स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड दिया हुआ है, स्टूडेंट नंबर है यहाँ पे, स्टूडेंट नेम अहमद लर, स्टूडेंट जेंडर मेल फीमेल जो भी है, स्टूडेंट की बर्थ डेट, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह. प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस. अ रिलेशन और अ टेबल विच इज द बेसिस ऑफ अ रिलेशनल डीबीएमएस. हाँ, रिलेशनल आर डीबीएमएस जो है उसकी ये बिल्कुल बेस है ये चीज. And the body definition must have certain inherent characteristics that form the basis of for its underlying strength and flexibility. Because of these features, मतलब इन features की वजह से an application must an application underlying strength and flexibility. Because of these features, an application implemented by using such a system is much more flexible and can be easily modified when alterations are enhanced to the underlying database take place. These characteristics are मतलब ये जो characteristics दी हुई हैं ये असल में ये होती हैं. No duplicate rows exist, मतलब इसके अंदर कोई भी किसी भी जो रो है तो जो भी आपका ये कोई भी किसी बंदे का बायोडाटा पड़ा वो दो दफा नहीं आ सकता एक ही बायोडाटा एक ही तरह की जो तो नो टू रोज कैन बी आइडेंटिकल मतलब कोई भी दो तरह की जो रोज है ठीक है उनको एक जैसा नहीं होना चाहिए. इट विल ऑल्सो वोलेटाइल it will also violate the definition of what a relation represents as it says by definition that there must be a unique key for each row in a relation or a table. In order to rows in or the order of rows is insignificant. There is no ordering or sequencing of the rows in the column in the tables. The relational implementation of the tables must support all required access mechanisms. That's it's not necessary to sequence the rows according to the key field. ठीक है जी. The order of columns is insignificant. जो
कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगेन द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स और एट्रीब्यूट इज इन डेफिनेशन इन डिफाइनिंग अ रिलेशन और टेबल हैज नो सिग्निफिकेंस। द लेटर इंसर्शन ऑफ द कॉलम्स आर मेड एट एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम्स बाय द सिस्टम इटसेल्फ। द सिस्टम रिक्वायर्स द डेटा ऑफ कॉलम्स बाय देयर नेम्स। ठीक है जी, उसके बाद टॉपिक नंबर 2.4 हमारे पास व्यूज क्या होते हैं। व्यूज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग एसक्यूएल, मतलब व्यूज को किस तरह क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को यूज करके, विच इज अ पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज। मतलब ये एक एसक्यूएल जो है एक पूरी एक बहुत मजबूत किस्म की एक डेटाबेस लैंग्वेज है। यूज फॉर डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन पर्पसेस। द पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज इज अ प्योरली टू कीप द डेटा सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एंड इलीगल यूजर। जो आपको मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो हमने डेटाबेस के लिए इस्तेमाल की है, द पर्पस ऑफ यूजिंग द व्यूज, तो ये जो उनका कोई फायदा ही नहीं है जब तक साथ आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ना करते रहे। The views provide the description of relations that are not stored but constructed as needed from stored relations. To create a view manually, the following create SQL command is used. Create view, student view आ गया, ठीक है जी। Select student number, name, student address, तो selection के अंदर आ जाता है। For from student Student's name, where, from where. This will create a view from the student table for only male students, which can be used by the users according to the authorization given to them, leaving the original table aside, safe and secure. मतलब के साथ में आपका अपने टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके अंदर आप असाइडा सेफ एंड सिक्योर है। It is another table created by the system developer MBA.